Alright guys, welcome back to the channel everyone. This is your usual Paris and welcome to yet another episode of the Manager Road to Glory. तो आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं इन द कैरेबाओ कप अगेंस्ट ब्लैकबर्न रोवर्स. अब क्योंकि हम इंग्लिश टीयर की थर्ड टीयर पे हैं, जो हमारा क्लब है वो थर्ड टीयर में है, तो इसलिए हम कोई बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ तो खेलने नहीं वाले. बट कैरेबाओ कप, एफए कप दो ऐसे टूर्नामेंट है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि हम इंग्लैंड की जो टॉप की टीम्स हैं उनके साथ भी खेल सके, बशर्ते कि हमें इन दो टूर्नामेंट में थोड़ा सा आगे क्वालिफाई करके पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो बात बनेगी असल में. सो आज का मैच ब्लैकबर्न रोवर के साथ है और ये मैच हमारे लिए जीतना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी. अब सबसे बढ़िया बात जो मुझे लग रही है हमारे इस करियर मोड में कि हम बहुत सारे एकेडमी प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं. इवन तुम हमारी यूथ एकेडमी देखोगे इस टाइम पे तो भरी हुई है टैलेंट के साथ. और अगर मैं इसको ओवरऑल के हिसाब से भी सॉर्ट कर दूंगा तो अभी भी हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है ऑस्कर लॉरेंड में जो कि क्वालिफाई नहीं करता ड्यू टू हिज एज. ये बंदा क्वालिफाई नहीं करता, वरना तो ये बंदा डायरेक्ट जैसे ही 16 का होगा भाई साहब ये पहली फर्स्ट टीम में आ रहा है. तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे पास एकेडमी के इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल हमें दिखाने वाले हैं. ये चीज़ सबसे बढ़िया मुझे लग रही है. इवन जब हमने जो फर्स्ट सीजन था पंजाब एफसी के साथ, वहाँ पर भी दो राइट बैक और लेफ्ट बैक दोनों नए हमने अकेडमी से लेके आए थे और क्या फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस दी थी हमें. अभी भी मुझे लगता है कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र विंडो है वो ओपन है, तो हम कर सकते हैं उनको टारगेट. एक बर्ग था और दूसरा जुरिच था. हाँ यार, इनको मैं कर सकता हूँ. टारगेट तो कर ही सकते हैं, हमारे पास अमाउंट तो है ही है, हमारे पास वो भी है, तो इनको तो मैं कर सकता हूँ टारगेट बनके, बर्ग और जुरिच को. दोनों का ओवरऑल रेटेड मुझे आ ही रहा है, तो 17 इयर्स के है ये, इनका पोटेंशियल भी अच्छा है. पहले बर्ग को करता हूँ मैं टारगेट. इसके बाद पेस बहुत अच्छी है, एजिलिटी बहुत अच्छी है, बैलेंस बहुत अच्छा है. और तुम देखो जस्ट लुक एट दिस, जो बॉल कंट्रोल है वो कितना अच्छा है. तो इसको टारगेट मैं कर सकता हूँ यहाँ पर. वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पास बहुत बड़ा बजट तो है नहीं. अब मुझे नहीं लगता कि अबे यार बजट तो बिल्कुल ही नहीं बचा क्योंकि मैंने एक और प्लेयर वो अकेडमी में डाल दिया, एक और यूथ स्टाफ ले लिया, यूथ अकेडमी में स्काउट एक और ले लिया, तो इसका मतलब मेरे पास बजट तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ. तो अभी ये करता हूँ, इस मैच को खेलता हूँ पहले कैरेबाओ कप वाले को. इसको जीतना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मैं तुम्हें जैसे बोला कि एक अपॉर्चुनिटी देता है मुझे टू मेक सम नॉइज. सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम नॉइज एंड दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस गेम. लेट्स डू दिस बॉयज. भाई साहब एक बात बता दूं तुम्हें, ये मैच बहुत मुश्किल भी होने वाला है क्योंकि हमारे पास ये वो टीम्स है जो हमसे भी एक ऊपर टीयर में खेल रही है, तो थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा. देयर इज कॉल मैन. बहुत तगड़ा एपिसोड था पिछला बट संभव चलो शेयर नहीं कर पा रहा मैं तुमसे. अबे ये कौन है, ये क्यों फटा हुआ बे इतना. स्लैटरी, देयर इज मुलेन, विल्सन डस सो वेल देयर. विल्सन कम ऑन, कीप गोइंग बॉय विल्सन, ब्यूटीफुल मैन, कम ऑन. येट अनदर एकेडमी प्लेयर स्कोर्स फॉर अस एंड दैट इज 1-0. कम ऑन मैन, बहुत बढ़िया. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट.
कि एकेडमी प्लेयर्स जो इतना अच्छा पोटेंशियल शो करते हैं, हम जब शायद बहुत बड़े क्लब को मैनेज कर रहे होते हैं तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते, शायद इतना प्रेशर होता रिजल्ट ओरिएंटेड, बट यहाँ पर हमारे पास वो मौका है टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू दीज गाइज टू शाइन एंड टू शो एवरी वन जस्ट टू मेक सम नॉइज. आई थिंक दैट्स वॉट वी आर हेयर फॉर, एंड इफ यू कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दीज गाइज एज वेल तो बहुत बढ़िया. अबे तेरी तो मैंडी क्या कर रहा है. हाँ बहुत बढ़िया, पर उसको क्लियर करना था ना यार, क्लियर करना था उसको. आई थिंक वो जो 7 मैच खेले ना हमने पिछले सीजन के, उसने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दी ना हमें टू अंडरस्टैंड द स्क्वाड. अब ये गड़बड़ है, बच गया, ये गड़बड़ है कि अगर कान में खुजाना पड़ जाए ना और बिल्कुल गलत अपॉर्चुनिटी पे खुजाना पड़ जाए तो सारी दिक्कत आ जाती है यार, क्योंकि तुम एक भी हाथ पीछे हटा तो सकते नहीं. चलो चलो इसको डिफेंड करो कॉर्नर को पहले. ओ बहुत बढ़िया, नाइसली डन बाय विल्सन, नाइसली डन बाय कोलमैन, नाउ नाइसली डन बाय मुलेन, बहुत बढ़िया. डेविस यंग, डेविस यंग, डेविस विल्सन, नाउ नहीं, बहुत ही गंदी पास थी. कम ऑन वी कीप डिफेंडिंग, कोई ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बॉयज, ये है यार जो सेटिस्फेक्शन देता मुझे. ए ए ए क्या किया मैंने, हेविस कोलमैन, ओ कोलमैन डस सो वेल देयर, सो मच स्पेस फॉर कोलमैन, सो मच स्पेस, बट नथिंग ही कुड हैव डन विद दैट बिकॉज पेस इज एब्सोल्युटली नॉट देयर. Nicely done by Young. Bolton! Oh! Oh, that was so close! At half time, gaya na dressing room mein, to main to khush ho gayi. Aur agar aur ho gaya 2-0 to bahut hi badhiya. Nahi, mujhe pata tha yaar. पता भी था मुझे कि ये सारा पीछे से आ जाएगा. बजा दे घंटी, अब कितनी देर लगाएगा. दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, इट इज 1-0, जस्ट अ सिंगल गोल लीड, बट द डिफेंडिंग परफॉर्मेंस, द डिफेंसिव परफॉर्मेंस हैज बीन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. ट्रस्ट मी गाइस ऑन दिस, अगर तुम लोग ये मैच देख रहे हो इस टाइम पे, इट हैज बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल गाइस. एंड वन मोर थिंग गाइस, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, देखो 6 मिनट में हमने अपना पहला गोल दाग दिया था और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, बट जो मज़ा हमें डिफेंड करके आ रहा है ना इस टाइम पे, वो जो मज़ा है ना अपोजिशन को रोकने का टू नॉट स्कोर अ गोल, उन्हें फ्रस्ट्रेट करने का, दैट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. जब तुम बहुत सारे गोल मारते हो ना तो जो टीम है दूसरी सामने वाली वो हताश हो जाती है और उसके बाद एफर्ट मारना बंद कर देती है, बट जब तुम डिफेंसिव अच्छी परफॉर्मेंस देते हो ना तब तो सामने वाली टीम का हौसला टूट जाता है. बहुत बढ़िया पासिंग, ओह स्लैटरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक, बट द स्टॉप वाज इक्वली गुड. अबे तलवार वाले ने गोल कर दिया था, ये तलवार वाले ने गोल कर दिया था. अच्छा अभी इसकी तलवार दिख नहीं रही, पता नहीं क्यों सिर्फ वाइड एंगल पे इसकी तलवारें दिख रही है, इसकी बाजू ऐसी है क्या, है क्या दिख रही प्लेयर के मॉडल के साथ. आराम से ओ नाइसली डन, क्या हुआ, ओपी
से पेनल्टी होगी यार, ये कहाँ से पेनल्टी होगी, क्या गलत किया? अरे यार थोड़ा सा गलत ही यार, में सच्ची बात बताऊँ तो। अब प्लीज़ यार बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है ऑन द गोल कीपर टू सेव दिस वन। पारस कम ऑन, आर वी वेटिंग फॉर इट? यस वी आर वेटिंग टू हिम। पकड़ लिया, कम ऑन, मजा आ गया भाई। मैंने डिसाइड किया कि चलो वेट ही करूंगा उसकी, एंड दैट पेड ऑफ। कम ऑन नाउ विल्सन, विल्सन डज सो वेल देयर। इफ वी कैन स्कोर हियर, इफ ओनली वी कैन स्कोर विद विल्सन, ऑलमोस्ट वी स्कोर्ड एंड नो। हियर वी गो विद मेंडी, हियर इज मोलेन। नहीं, ये क्या कर दिया मेरे भाई तूने, ये तूने क्या कर दिया? इतनी तकड़ी अपॉर्चुनिटी थी ना टू जस्ट सील द गेम देन एंड देयर, बट नाउ जैक मेरिट कम्स ऑन एंड हियर वी गो, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, हियर वी आर एंड वी आर लुकिंग वेरी गुड सो फार, बट वही फोकस बना के रखना पड़ेगा। बैरियर बहुत बढ़िया, ऑन टू बोल्टन, व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट टच वाज दैट, और ये क्या क्रॉस थी, ये क्या बकवास था बोल्ट। बहुत बढ़िया, अबे यार मैंडी हाउ कैन यू मिस दैट, नाइसली डन यार, नाइसली डन, स्टिल विद सिगुसन, ब्यूटिफुल रिटर्न बाय फोर्टी, कम ऑन कम ऑन। तो ये कॉर्नर इसके पास खत्म है, मैं तुम्हें यही बात बोल रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है उनका कीपर भी आ गया होगा, कीपर आया हुआ उनका, नहीं कीपर नहीं बुलाया इन्होंने, क्यों नहीं बुलाया? इसके अलावा इन्होंने करना क्या है? देयर इट इज, दिस शुड बी इट, दिस शुड बी इट, कम ऑन मैन, अवे फ्रॉम होम we are Wrexham, we beat Blackburn Rovers away from home to qualify for the next round of the Carabao Cup, and what a stupendous performance that was. Aaron Wilson with the goal, the sole goal that was scored, but the fact how we defended this such a minute lead of one goal was absolutely exceptional guys. तो जो भी सवालात हमारे से पूछे गए आफ्टर दैट गेम अगेंस्ट यू नो ब्लैकबर्न रोवर, जो कैराबाओ कप गेम था, वो ऐसा लग रहा था कि हम में कोई फूट पवाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो वी आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, आई होप आई विल गेट अ चांस नेक्स्ट टाइम बॉस। या कम ऑन, वी आई हैड टू मेक अ चांस। डालबी के लिए ट्रांसफर ऑफर आया और चेंजिंग द फोकस, हिडन डेवलपमेंट शेड्यूल, टॉप कर दिया तो हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड, और उसके बाद जो अगली बची टीमें हैं हमारे पास पांच, वो खुद आपस में लड़ेंगी टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो फिनिशिंग एट टॉप आई थिंक विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, बट दिस इज़ द ब्लडी डैम लॉन्ग सीजन एंड इट विल टेक टाइम एंड देर आर सो मैनी गेम्स टू बी प्लेड। So what I'm going to do this season at least, that I'm going to simulate few games here and go to the calendar and nothing more, just you know, cup game koi na hai beech mein, cup game aa rahi hai na yaar, agar main view fixture karunga na to ye BSM trophy kaun si hoti hai bhai, nahi ye mujhe khelne ka koi shauk nahi chadha hua। तो कौन है हमारा अगला अपोनेंट कैराबाओ कप में, जस्ट लुक एट दैट मैन, वू दैट इज फैंटास्टिक। वी विल बी फेसिंग कैराबाओ कप, वी विल बी फेसिंग चेल्सी फुटबॉल क्लब इन द कैराबाओ कप, दैट्स इट मैन। जो मैंने बिल्कुल पहले एपिसोड में आई थिंक इस एपिसोड में शुरू करने से पहले ही बोल दिया था कि ये अपॉर्चुनिटी देती है हमें कैराबाओ कप। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट यू नो सिमुलेट टिल हियर, लेट्स सी What kind of results we get? ये BSM trophy मुझे किसी लेने देना नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं लेना देना मेरे को इसका, ठीक है ना?
तो यहाँ पर अब सितंबर मंथ शुरू हो चुका है. आई होप वी आर विनिंग, आई होप वी आर विनिंग. ऑक्सफोर्ड के साथ हमारा ड्रॉ था, सो वी वॉन द BSM और उसके बाद वी वॉन द लीग गेम्स एज वेल. दैट इज़ फैंटेस्टिक. बस एक वो लीग, वी वॉन द कैरबो कप, उसके बाद वी वॉन द गेम अगेंस्ट ब्लैक पूल एज वेल. तो व्हाट आई थिंक इज दैट अगर स्टैंडिंग की बात करी जाए तो वी आर राइट एट टॉप अलॉन्ग साइड हडर्सफील्ड टाउन. देखो मैंने तुम्हें जैसे पहले ही बोला कि हमारा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हमें बिल्कुल टॉप पर फिनिश करना है, और अगर दिस इज द काइंड ऑफ यू नो एडवांसमेंट दैट दे आर गोइंग टू मेक, वाई दिस गेम अगेंस्ट यू नो स्वांजी सिटी. बिकॉज अब देखो हमारा जो कैरेबाओ कप का गेम रहेगा वो दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट चेल्सी फुटबॉल क्लब. दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज गेम. बट अब यहाँ पर हमारे पास उस गेम से पहले ये दो गेम है जो कि है स्वांजी और वीक वाइकॉम वंडरर्स. इन दोनों के साथ हमारा मैच है, उसके बाद हमारा मैच है कोई चेल्सी के साथ जो कि बहुत ही दूर दराज की बात करने वाली बात है. तो चेल्सी वाला मैच ऐसा होने वाला है कि जो कि बहुत 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 स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि चेल्सी फुटबॉल क्लब से मेरा लगाव कुछ और ही है. एंड वेन एवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर देम अगेंस्ट देम, आई थिंक वट दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी इज टू शो केस ईच एंड एवरी गाय दैट येस आई हैव इट इन मी टू मैनेज इवन अ टीम लाइक चेल्सी फुटबॉल क्लब. सो दैट इज़ द अल्टीमेट एम गाइज. अब तुम लोग जो मर्जी कहो मेरी ब्रेक्सम में कितनी अच्छी सेटिंग हुई पड़ी है, बट येस आई थिंक जो हम एक बात पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक वही मैं बात फिर से रिपीट करूँगा कि जो जितना मर्जी लगाव हो जाए, आई थिंक यहाँ पर हमें आगे बढ़ता रहना पड़ेगा. ब्रेक्सम में ही नहीं रहने वाला मैं, बट हाँ जब भी मुझे आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आई थिंक आई डिसाइड टू लीव. दिस इज गोइंग टू बी मैसिव गाइज, बिकॉज वी आर नाउ लुकिंग लाइक अ प्रीटी गुड डिसेंट इन अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एंड वी आर बॉन्डिंग टुगेदर वेल. और हमारी जो सबसे बढ़िया चीज़ ये रह रही है कि हमारी डिफेंडिंग हर गेम के साथ बहुत बेहतर हो रही है. बट डिफेंडिंग हर गेम में आई थिंक तुम्हारे फोकस के ऊपर भी डिपेंड करती है. सो वी हैव टू जस्ट यू नो कीप आवर हेड्स डाउन, कीप वर्किंग एंड सम अमेजिंग थिंग्स विल हैपन. बॉल्टन विद अ क्रॉस, यंग ओ हिट्स अ बार, मैन इट्स अ पिच सेव मैन. देयर इज कोलमैन, देयर इज मुलेन, गिव्स इट टू यंग, gives it to Wilson, who scores. No, let's defend this corner first. Hayden does well. Come on, Mendy, aage. No, come on, keep your shape first. Billy Bryan, it's a fantastic save from Tucker, another academy guy. पेनल्टी नहीं होगी यहाँ पे, तो बढ़िया कि इन्होंने थोड़ा सा एडवांटेज ही प्ले कर दिया. मैच नंबर 4 डे. ओके, ऑन टू मोलेन, क्रॉस कम्स इन, मेंडी, ओ व्हाट अ सेव मैन, ब्यूटीफुली डन बाय मेंडी. फुल मैन, हियर इज मोलेन, लुक्स फॉर बॉल्टन, फाइंड्स विल्सन. Here is Mullen, it's a great block there. बहुत बढ़िया ब्लॉक था, बट अ ग्रेट मूव देयर विच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टर्नड इनटू अ गोल फॉर अस, बट फॉर दैट अमेजिंग पीस ऑफ डिफेंडिंग. Here is Mullen. Lays it up for Young, who couldn't find the finish that was needed. यार Paris. For me as well. मैंने भी सोचा मैं बोल लूँ बाद में, पहले मैं फोकस कर लूँ. क्या कर रहा, क्या कर रहा था ये जो बॉल तू हो रहा है ना, ये नहीं मुझे पसंद आ रही. बस नो, ऑफ साइड भाई, बच गए. बटकर ने फिर भी ये वाली शॉट भी ब्लॉक कर दिया यार. इट वाज इम्प्रेसिव, जस्ट लुक एट हिम. ओ भाई यार, दैट इज फैंटास्टिक. ओके, फाइनल अपॉर्चुनिटी.
and that is not the final opportunity, but that is the whistle for the first half break. And after 45 minutes, it's still nil-nil between the two sides, but we have shown glimpses of some good football. But वही बात है ना कि वो जो final third में finish आनी चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिली, which is not, you know, something which is not the ideal situation really that we want to be in. So let's keep focusing. It's not that we have played poorly. We just need to keep our focus on and keep on grinding it, and not keep on giving the ball away. Just keep falling back. Oh, brilliantly done by Billy Bray there. Nicely done by Coleman. The strength shown. No, Paras, yaar. इतनी मेहनत के बाद तो क्या कर रहा है? नहीं, तेरी तो सड़े. उठो, उठो, फेंक इसको भी सड़े को कुत्ते को. Nicely done by Billy Bray. He looks amazing. नहीं यार, पहले मुले ने पता नहीं रन बनाया भी. He took off for a run, but nicely done by Billy Bray once again. The crowd is loving it. Young makes a good one. Finds Mullen, who has the gap to take the shot, but it's straight into the body of the keeper. Uh-oh! It's a good shot. Thankfully, man, Tucker was up for it. 71 minutes ho gaye par ab kya karna cha rahe ho? Aise yahan pe Mullen hatana padega, mujhe Marriott leke aana padega. And if there is one more change that I would love to have is to have Barnett in place of Forte. We have created opportunities, aisi baat nahi hai, but abhi bhi wo opportunity nahi create kar pa raha hai that can be converted into a goal. Maybe with the player of the season last season, Marriott. Let's see. There we go. Straight away on the ball. Just that heavy touch, Paras. Just get what happened there and focus on our defending. It was a beautiful turn. Pakad. Ball ready. Nahi. Idhar se. Oh, yaar, nahi. क्या बात कर रही है मैडम, कहाँ का पेनल्टी होगी यार? उसने शॉट मार तो दिया था, अब वो खुद मेरे पैर के अंदर आके लगेगा तो काहे की पेनल्टी यार? या यूं ही हरा दो मुझे, तुम बिना किसी एफर्ट के यूं ही हरा दो. नहीं, ये सही नहीं था, वो पेनल्टी की कॉल ही सही नहीं थी. वार नहीं है इस गेम में, ऑब्वियसली बात है, और अगर वो बाहर से चेक करते तो मैं पता चलता कि ये पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं थी यार. कम ऑन यार, उसका पिछला पैर अगर किसी का लग रहा, डिफेंड तो करेगा ना, अगर कोई शॉट लेने वाला तो वो अपना डिफेंसिव स्ट्राइड तो लेगा ना. दिस इज नॉट गुड यार. हिटिंग द बार इज समथिंग एल्स, बट दिस इज नॉट डन. Marriott, no. Come on. भाई अब ये फाउल नहीं है, अब बता मैडम क्या तेरा कहना है इस बारे में? इतना गंदा टैकल, अब ये रेड कार्ड बनता तुम्हारा? इट्स अ रेड कार्ड. So we have 5, maybe 7 minutes to play against a 10-man Swansea City. Slattery! Fantastic save. It was a good shot, but... Uh-oh. Really fine piece of defending.
ओके फाइनल मिनट फाइनल अपॉर्चुनिटी है Is Marriott. No! And that is the end of the game. We have lost this game because of this pathetic decision making from the referee. सच बात बता रहा हूँ इतनी disappointment मुझे कभी भी नहीं हुई इतनी disappointment मुझे कभी नहीं हुई यार मतलब वो foul था ही नहीं यार वो एक penalty थी ही नहीं I think that is definitely one of the most you know talked about point out here ki wo penalty thi nahi jo unhone di yes we were very unlucky in terms of you know hitting the bar but that is acceptable that is out of poor luck that is out of bad luck that we were hitting the bar but to get the bad call on penalty that is not acceptable whatsoever man tough thing to swallow I think the tough defeat to swallow as well And if Yates is going to be scoring like this, then please have the golden boot right now. I mean, that is so bad in terms of how it shatters your confidence if you really let it be. But we are going to just move on from that defeat and really focus upon so many beautiful things that are coming up. A game against, you know... Wycombe Wanderers and then that game against Chelsea so the big decision now to be made is that how are we going to approach that Chelsea game look I know the chances are very bleak chances to bahut kam hai ki main us match ko jeet paunga to give a fight is something that we will be aiming ki thodi si fight de sake hum but yes overall the chances to win that game are very bleak so What I want is that we should be in the right kind of, you know, form, the right kind of shape to at least give a fight. We need that. Now, we have a game against Wycombe Wanderers, but the gap between this game, between Wycombe Wanderers and the Chelsea game is just 2 days. So that fatigue factor is going to kick in now given the fact that as far as the standing is concerned we are third in the table and if we lose this game and all our competitors right now win their respective games then the position will be a little dodgy we might drop to sixth position so which decision the decision has to be made now What I feel is that we have to, you know, prioritize that Chelsea game because in a season where we are going to be playing 46 games, I think we can take at least one game casually. So that we have the luxury to do so because we have so many games. So yes, and the Chelsea game is going to be a one-off thing. And if we do, you know, progress or create a miracle, then God knows that will be amazing. So let's see, guys, if how to manage the fatigue factor here. That is one thing that we have to manage. But this game against Wycombe Wanderers will act like a warm-up game for me for that Chelsea game in the next episode, guys. Yes, I'm going to wrap up the episode here only. We advance through to the Carabao Cup next round, and we will be facing Chelsea Football Club. We are right now sitting third in the table, which is good for me so far because we are just gone 10 games into the season. So it's okay. So thank you so much, guys. I am going to wrap up the episode here only. Thank you so much for the love and support. And please, yaar, agar subscribed nahi ho, to please subscribe ka button dabao so that you can be a part of this amazing channel. Aisi gaming channel tumhe pure India mein kahin nahi milne wala. So be a part of it, guys. You don't have to miss that. You don't want to miss any of the stuff that uploads on this channel so thank you so much yes a lot of things will be settled a lot of things will be sorted out so thank you so much guys as always so thank you so much this is your usual Paras signing off take care and keep gaming guys bye bye